हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखत एन इंडियन। तो आज मेरा ये पुराना फ़ोन है रेडमी नोट 3। तो इसके जो ये तीन ये बटन हैं, ये तीनों जो है वो चल नहीं रहे। एज यू ऑल नो कि अभी मैंने इसकी ही वजह से जो है नया फ़ोन इसीलिए ख़रीदा था। सो मैं ये एक इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन भी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर्चुनेटली मेरा जो है सेटिंग इसमें ओपन है। अब आप देखिए, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग। तो इसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। ये तो चल रहा है मेरा, लेकिन ये जो तीनों बटन है ये वर्क नहीं कर रहे। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले सेटिंग्स खोलिए। सेटिंग्स आप खोल सकते हैं, अगर आप होम स्क्रीन पे भी हैं तो आपका ये स्क्रीन तो चल ही रहा है ना, तो आप सेटिंग्स खोल सकते हैं। इसमें जाकर ये हमारा सबसे पहले अबाउट फोन और ये सब आता है। अब हम इसमें जाएंगे एडिशनल सेटिंग पे। ये एडिशनल सेटिंग आ गई, ठीक है। एडिशनल सेटिंग में आपके पास ये जो ऑप्शंस हैं, यहां एक ऑप्शन आ रहा है क्विक बॉल। यहां पे क्विक बॉल जो है डिसेबल हुआ हुआ है, इसको आप एनेबल कर लीजिए, खोल लीजिए, ठीक है। ये ओपन करते ही ये देखिए, ये जो क्विक बॉल है ये आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इसको आप सॉरी इधर उधर मूव भी कर सकते हैं, इधर जहां आप अपने काम के हिसाब से जैसा भी आप काम कर रहे हैं इसको मूव कर सकते हैं। और जब आप कुछ वर्किंग होंगे स्क्रीन पे और आप इसको छोड़ देंगे, तब ये देखिए आप, ये खुद से हल्का हो जाएगा और ऐसे साइड में चला जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां से स्क्रीन पे से तो मैं पीछे जा सकती हूँ, सो मैं यहां से पीछे गई। अब मैं और पीछे कैसे जाऊं, अब मैं और पीछे कैसे जाऊं, दिस इज नॉट वर्किंग। हम क्विक बॉल पे जाते हैं, यहाँ पे बैक का ऑप्शन भी है आपका, होम का ऑप्शन भी है, और ये जो ऑप्शन ये है ये वाला, ये भी यहाँ पे है लॉक का और स्क्रीनशॉट का। तो हमारे पास ये अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहां से अब मैं बैक जा सकती हूँ, दिस इज इजी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं जाती हूँ किसी और एप्लीकेशन में, मैंने कैलेंडर खोला, ठीक है, मैंने ये कैलेंडर खोल लिया। अब मुझे बैक यहाँ पे होम स्क्रीन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, सिंपली क्विक बॉल होम स्क्रीन, इट्स डन। तो अगर किसी के भी रेडमी नोट 3 में ये प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली मैंने नाम इसलिए लिया है फोन का क्योंकि मैं ये फोन यूज कर रही हूं, तो मैं इसी का नाम लूंगी, लेकिन इन केस किसी और फोन में भी आती है तो आई थिंक क्विक बॉल बहुत सारे फोन में अवेलेबल है ऑप्शन, आप उसको यूज कीजिए और ये जो आपकी प्रॉब्लम है इससे छुटकारा पा लीजिए। नहीं तो आपको अगर आपका स्क्रीन वर्किंग है और उसके बाद भी आप नहीं यूज कर पाते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपको पूरा स्क्रीन का ही चेंज कराना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपके तीन बटन चेंज हो जाएंगे, आपको पूरे स्क्रीन का जो सेट वो है टच है उसको चेंज कराना पड़ेगा। सो दिस वॉज इट आई थिंक एंड आई होप कि आपके लिए यूजफुल रहेगी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड वॉच अदर वीडियोज ऑल्सो, मेरी दूसरी वीडियोज भी देखिए और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।